से दिखा रहे हैं वहां की एयरबेस से, और यह तस्वीर आप देख सकते हैं। आज पहला फ्रांस लड़ाकू विमान भारत को सौंपा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त फ्रांस में ही मौजूद हैं, और जैसा कि परंपरा हर साल भारतीय संस्कृति में रही है कि दशहरे के मौके पर, विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की जाती है, ऐसे में सबसे पहले इस लड़ाकू विमान की पूजा की जाएगी, उसके बाद ये भारत आएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं रफाल की, वहां की एयरबेस से ये तस्वीरें हैं, और ये भारत का तिरंगा भी साथ में, चूंकि भारत को सौंपा जा रहा है ये पहला लड़ाकू विमान, और लाइव तस्वीरें इस वक्त फ्रांस से आपके सामने हैं। तो पहला ये लड़ाकू विमान भारतीय सेना को सौंपा जा रहा है, भारत को सौंपा जा रहा है। तिरंगा इस वक्त वहां पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा, देखिए, और ये दूर से बिल्कुल तस्वीरें साफ हैं, रफाल की पूरी झलक देखी जा सकती है। तो आज विजयदशमी के मौके पर भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे देश में आज रावण का दहन किया जा रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, शाम को रावण दहन किया जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का, लेकिन पाकिस्तान पर भी जीत का यह बहुत बड़ा अचूक मंत्र और बहुत बड़ा हथियार इस वक्त भारत के साथ आज शामिल होने जा रहा है, भारत को मिलने जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजनाथ सिंह जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो वहां पर पूरे डेलीगेशन के साथ, चूंकि आज रक्षा मंत्री की तरफ से शस्त्र पूजन भी किया जाएगा वहां पर और भारत को सौंपा जाएगा, उस वक्त रक्षा मंत्री वहां पर रहेंगे, लेकिन पूरा उन्होंने देखा। ये देखिए रफाल कैसा है, किस तरीके से इसकी पूरी तकनीकी है, किस तरीके से, और आपको बता दें कि रफाल की पूजा हो चुकी है, जब पहुंचे थे एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसी वक्त उन्होंने पूजन किया था, उसके बाद उन्होंने बकायदा निरीक्षण भी किया, लेकिन एक तरफ लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो अभी फ्रांस से आ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब भारत के बेड़े में ये शामिल होगा, हवाई बेड़े में लड़ाकू विमानों के कहा जाए कि जखीरे में एक और बहुत बड़ा युद्धक विमान शामिल होने जा रहा है, तब भारत में भी ये तस्वीरें दिखाई देंगे, लेकिन अभी फ्रांस से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यही वो विमान है जिसको लेकर पाकिस्तान, जैसे ही जानकारी मिली थी कि रफाल भारत को मिलने वाला है, वो पहले से थर्रा रहा था, और अब वो दिन आ गया है जब भारत के, तो कृष्ण मोहन मिश्रा के पास, हमारे सहयोगी के पास इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर 27 फरवरी की तरह का कोई सीन आता है कि जब कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर घुसता है तो उसको फायर करने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से मेटियोर मिसाइल फायर होती है और वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंगेज करती है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो अपने आप अपना रास्ता ढूंढती है, एक बार अगर उसके रडार में वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ गया और फायर कर दिया गया तो वो बचेगा नहीं, उसको फायर उसको फॉलो करके वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। उसके अलावा स्कैल्प मिसाइल फायर होती है जो कि ग्राउंड अटैक के लिए काम आती है। मिसाल के तौर पर जैसे मिराज 2000 ने स्पाइस मिसाइल के जरिए, स्पाइस बॉम्ब्स के जरिए बालाकोट में टेरर कैंप्स पर अटैक किया था। स्कैल्प बहुत अच्छी मिसाइल है, स्पाइस से काफी बेहतर मिसाइल कही जाती है जो ग्राउंड अटैक के काम आएगी। उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट में आमने सामने की लड़ाई के लिए जो गन्स होती हैं वो है रॉकेट्स वगैरह हैं, लेकिन जो सबसे डेडली मिसाइल्स हैं वो मेटियोर हैं और स्कैल्प है। मेटियोर मिसाइल एयर सुपीरियरिटी के लिए, यानी दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट अगर भारतीय वायुसेना में आता है तो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से उस एयरक्राफ्ट को नष्ट किया जा सकता है। स्पाइस के बजाय स्कैल्प मिसाइल फायर होगी ग्राउंड अटैक के लिए। ये दो सबसे डेडली मिसाइल्स हैं। पीछे ये रफाल खड़ा हुआ है, इसको जो आगे आप देख रहे हैं एक पाउडर की तरह देख रहे हैं, ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है, यानी हवा में उड़ते हुए ही इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है और इस तरह से इसकी जो रेंज है यानी आगे बढ़ने की क्षमता है उसको अनलिमिटेड किया जा सकता है, यानी इसमें आप हवा में ही ईंधन भरते रहें और उसके बाद चलते रहें। रफाल को रैबिट, द रैबिट कहा जाता है, यानी ये एक किसी खरगोश की तरह पुलाचे भरता है, मनूवर करने में बहुत आसानी रहती है और इसलिए ये दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना इसी कंपनी के इससे मिलते जुलते प्लेटफॉर्म यानी मिराज 2000 का पहले से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए 36 रफाल को इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी होगी भारतीय वायुसेना को। एक और दिलचस्प तथ्य मैं आपको बताता हूं कि अंबाला में जो पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की रेज होगी वो स्क्वाड्रन नंबर 17 है। स्क्वाड्रन नंबर 17
वो स्क्वाड्रन है जिसमें पहले MiG-21 होते थे और करगिल की लड़ाई में इस स्क्वाड्रन ने बहुत काम किया था। आपको याद होगा कि करगिल की लड़ाई में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को वीर गति मिली थी। दरअसल वो जब बटाली की पहाड़ियों में घुसपैठ